वीडियोस देखने के लिए। टैब 4 कहलाता है, ये टैब 3 है सैमसंग का, बहुत बेहतरीन चीज़ है, मजबूत चीज़ है। मतलब ये छोटे मोटे काम के लिए ना बेहतरीन बेहतरीन काम के लिए ऑफिस वर्क में जो एट जनरेशन जी। तो इस तरह लैपटॉप भी हमारे पास पड़े होते हैं। पैकिंग बहुत अच्छी है इनकी, क्या बात है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्टर है इस हमारे पास है। ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसका परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, बहुत खूबसूरत है ये, बिल्कुल न्यू। अच्छा, इसमें अगर टेक्स्ट का टेक्स्ट बुक होता है उसका भी आ जाता है, जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी इस्तेमाल होता है। एटम ये दिखा दो, विंडोज 7 सपोर्टेड है, 500 GB, 500 GB और 2 GB और कुछ में है 500 GB, 4 GB। और टोशीबा कंपनी, टोशीबा भी है हमारे पास, हमारे पास अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं जैक्सन मार्केट निसार भाई की दुकान पे, जो कि यहाँ पे लैपटॉप्स और ये प्रोजेक्टर वगैरह हैं इनके पास। तो निसार भाई, आप बता दीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास लैपटॉप और प्रोजेक्टर के अलावा क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे इस शॉप पे। ये निसार इलेक्ट्रॉनिक्स है जैक्सन मार्केट में, और यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्टर्स के काफ़ी जो है टाइप्स पड़े हुए हैं, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोजेक्टर्स होते हैं, जिसमें से मैं आपको एक अभी दिखाता हूँ। एक प्रोजेक्टर है, ये एलईडी प्रोजेक्टर कहलाते हैं, एलईडी प्रोजेक्टर कहलाते हैं ये, और बिल्कुल न्यू। और लेकिन प्राइस इसका जो है वो यूज़ वाले प्राइस में आपको ये मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त, अच्छी पैकिंग में इन्होंने निकाला, देखें आप, पैकिंग बहुत अच्छी है इनकी, क्या बात है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्टर है। इसमें जूमिंग का फोकस का आ जाएगा और आपका जो स्क्रीन का आ जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें वीजे आ गया, HDMI आ गया, USB पोर्टेबल है और SD कार्ड भी इसमें आ सकता है। इसमें अपना स्पीकर बिल्टन होता है और बहुत खूबसूरत इसका रिजोल्यूशन है, और तकरीबन ये 150 से 200 इंचेस तक आपको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर बना के देगा। बहुत ज़बरदस्त, इसकी प्राइस जो है हमारे पास यहाँ पे 13,000 रुपये जी। अगर आपकी वीडियो के तहत असल से कोई आएगा तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। इसके साथ ये पूरा कंप्लीट सामान, वीजे केबल आ गया, सारे केबल्स सारे इसके साथ आए, बिल्कुल। इसकी बुक भी है, उसमें भी वो लोग अपना जो भी इसके फंक्शंस हैं वो उसमें देख सकते हैं। ये कहलाता है GenQ लेजर 3। इसके अलावा फिर हमारे पास ये है Explore 2 प्रोजेक्टर है, Explore 2 प्रोजेक्टर हमारे पास है। ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसका परफॉर्मेंस है, रिजल्ट है, बहुत खूबसूरत है ये, बिल्कुल न्यू। अच्छा, इसमें मीरा कास्ट होता है, मीरा कास्ट जो आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, iOS कास्ट भी आ सकता है, वाईफाई इसके अंदर होता है, लेकिन इसका जो रिजोल्यूशन है उसके नस्बत से बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है। और इसमें अगर टेक्स्ट का टेक्स्ट बुक होता है उसका भी आ जाता है, जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी इस्तेमाल होता है, और बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। अच्छा, ये LED प्रोजेक्टर है, इसमें लैम्प सिस्टम नहीं होता कि इतने आवर्स चलेगा, इतने ये लाइफ टाइम चलता है, और हीटअप भी नहीं होता, बिल्कुल हीटअप भी नहीं होता, ईजी टू कैरी है। ये रिमोट भी इसके साथ होता है, रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल भी आ जाता है इसके साथ, एक स्टैंड भी आ जाता है, ये छोटा सा स्टैंड होता है, इसका रिमोट आ जाता है, ये रिमोट आ गया इसका, इसके एक स्टैंड आ गया, ये बहुत ज़बरदस्त मूवेबल स्टैंड है इसका, और साथ में इसके सफाई का कुछ इक्विपमेंट्स है, सफाई वगैरह के लिए आ जाता है। सही है भाई, और क्या क्या है आपके पास? और इसके अलावा एक और है मेरे पास जो कहलाता है VenQ 470। अच्छा,
470। अच्छा, ये 4K सपोर्टेड है? ये 4K सपोर्टेड है। अच्छा, ये इम्पोर्टेड माल है? बिल्कुल इम्पोर्टेड है। ये मेड इन कहाँ का है? ये मेड इन चाइना है, चाइना है। बट ये यहाँ पे नहीं होता, ये एक्सपोर्ट होता है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, वहाँ के लिए आता है। अच्छा अच्छा, वैन क्यों? अच्छा, इसमें भी सारे मीरा कास्ट है, iOS कास्ट आता है, वाईफाई वगैरह सब। बिल्कुल, इसमें HDMI 2 दिया है। सही है, ठीक है। USB वो दिया है, SD कार्ड दिया है, AV सिस्टम दिया है। सही, VGA आ गया है। अलग से साउंड सिस्टम भी लगा सकते हैं? अलग से साउंड सिस्टम भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इसमें ये है कि हीटअप अगर 5 घंटे चलेगा तो बाकी प्रोजेक्टर्स हीटअप हो जाते हैं। इसमें हीटअप सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये कूलिंग सिस्टम होगा? कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर, नजर आ रहा है। बिल्कुल, कूलिंग सिस्टम भी है। और दूसरा, इसका जो स्पीकर इसके अंदर बिल्ट इन है अपना, वो बूफर इस तरह वो देता है, बूफर टाइप। अच्छा, उसका अपना स्पीकर, यानी स्पीकर और सराउंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर एक हॉल है, बड़ा कमरा है, तो उसमें वो नहीं है। इसकी जो प्राइस है यहाँ पे 18,000 है, लेकिन अगर कोई आपकी वीडियो के तवसल से आएगा तो हम उसको 17,000 में। और क्या है आपके पास? ये टेबल अलावा फिर हमारे लिए, हमारे पास कमर्शियल यूज के लिए भी प्रोजेक्टर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, ये कमर्शियल यूज के लिए होता है, जिस तरह बड़े होटल्स में और जिस तरह अभी मैचेस वगैरह आते, तो उसमें 470 भी काम कर रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ी स्क्रीन बनानी हो 600-700 इंच तक, तो फिर आपको ये वैनक्यू, ये प्रोजेक्टर है। अच्छा, इसमें मीरा कास्ट नहीं होता, वाईफाई सिस्टम नहीं होता, लेकिन वायर वाला है। हाँ, ये वायर वाला है, ये वायर VGA केबल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, HDMI के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सही, इस तरह फ्रेश पीस हमारे पास पड़े हैं। जिसका तो क्या प्राइस है? ये लास्ट 22,000। और ये भी लैंप सिस्टम नहीं है, लैंप का कोई इसमें इशू नहीं आता। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एटम लैपटॉप पड़े हुए हैं, जो जापान से एक्सपोर्ट हुए हैं। इंटेल एटम, ये दिखा दो। विंडोज 7 सपोर्टेड है, बैटरी टाइमिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। 500 GB, 500 GB और 2 GB, और कुछ में है 500 GB, 4 GB। अच्छा, और टोशीबा कंपनी? टोशीबा भी है हमारे पास, हमारे पास HP में भी पड़े हुए हैं, डेल में भी पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये लैपटॉप क्या प्राइस है? ये 8,000 रुपये। 8,000? ओहो, बहुत खूबसूरत यार। इस तरह आप ये देखें, ये भी है, मतलब ये छोटे मोटे काम के लिए ना बेहतरीन, बेहतरीन काम के लिए, ऑफिस वर्क में जो रिसेप्शन के लिए काम करने के लिए भी आसान है, बहुत इजी। ये बिल्कुल साफ पीस, लाइट वेट है बिल्कुल। ये देखो, सही है, इंपोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इससे भी साइज में छोटा लग रहा है, ये 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये, और इसका? ये 7,000 रुपये। 7,000 या 8,000 रुपये। अच्छा, यानी इस रेंज में हम लोग वो देते हैं। विंडो बिल्कुल ओके, विंडो ऑन करके देंगे सब। यहाँ भी मेरे ख्याल से ये 7-8 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये का इस तरह। और ये बड़े, ये आपके पास ये रखा हुआ है एप्पल का, ये मैक है, ये आपको पड़ेगा। इसमें कोर i3 भी है हमारे पास, कोर i5 भी है। सही, तो 25,000 का और 20,000 का, इस तरह इसके प्राइसेस है। इसके अलावा हमारे पास लैपटॉप भी पड़े हुए हैं, हाई फाई। अगर किसी को अच्छा लैपटॉप चाहिए, हाई फाई चाहिए, तो हमारे पास डेल का पड़ा हुआ है, i7 है, 8th generation जी। तो इस तरह लैपटॉप भी हमारे पास पड़े होते हैं। ये आप लोगों को पड़ेगा 45,000। और क्या स्पेक्स के? तकरीबन ये है 8 GB इसकी वो है, रैम है, और 512 इसके SSD या HDD है? SSD है। सही है यार, बेहतरीन। काफी और फंक्शंस है, वो तो साफ बिल्कुल क्लीन। ये सीधा दिखाना, सही है, बेहतरीन है। अरे, साफ पीस तो आपके पास मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा।
इसके अलावा हमारे पास टैब होते हैं, ये अभी माल आया हुआ है, ये पड़े हुए हैं पूरा, ये माल आया हुआ है अभी, इसको अभी चेक करके हम लोगों करें, ये सारे पैकेट पड़े हुए हैं, दिखाएगा दो तीन निकाल, ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये टैब 4 कहलाता है, ये टैब 4 कहलाता है बच्चों के लिए, गेमिंग वगैरह के लिए, वीडियोस देखने के लिए। टैब 4 कहलाता है, ये टैब 3 है सैमसंग का, बहुत बेहतरीन चीज है, मजबूत चीज है। ये भी 4,000-5,000 रुपए ओरिजिनल बिल्कुल। पूरा माल पड़ा हुआ है अभी, ये देखें आप, और भी है इधर भी है, ये देखें, चार हजार अगर कोई और डिस्काउंट मांग ले, ये आपके वीडियो की तवज्जो से 5,000 रुपए का होगा। अच्छा, आपके वीडियो के उसमें आइए 4,000 रुपए का। अच्छा, दोनों के सेम रेट है? नहीं, जो 4 है वो 5,000 का है। अच्छा, सही है।